सो है गाइस, दिस इज सन्नी गेमर एंड वेलकम बैक टू एवर न्यू वीडियो। एंड इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने C2S4 के फुल टीयर रीसेट के बारे में, मतलब जो आपका C2S5 सीजन आने वाला है इसमें आपको कौन सा टीयर मिलेगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आपका जो RP है वो कब लॉक होगा और अभी आप रैंक कब तक पुश कर पाओगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम टीयर वाले बंदों की। अगर आप सिल्वर या ब्रोंज पे हो, और भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सिल्वर या ब्रोंज पे हो, और अगर हो भी तो आपका जो टीयर है नेक्स्ट सीजन वो सेम का सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं गोल्ड टीयर वाले बंदों की। अगर आपका टीयर गोल्ड 2 से लेकर गोल्ड 5 या गोल्ड 4 या गोल्ड 3 है, तो आपको नेक्स्ट सीजन जो टीयर मिलने वाला है वो गोल्ड 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं प्लैटिनम 5 से लेकर गोल्ड 1 के बीच में आपको कौन सा टीयर मिलेगा। तो अगर आप प्लैटिनम 5 पे हो, प्लैटिनम 4 पे हो या आप गोल्ड 1 पे हो, तो आपको जो नेक्स्ट सीजन टीयर मिलने वाला है वो गोल्ड 4 मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं प्लैटिनम 1, प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 3। अगर आपका इनके बीच कोई सा भी टीयर है, प्लैटिनम 1 या प्लैटिनम 2 या प्लैटिनम 3, तो आपको जो अगली सीजन टीयर मिलने वाला है वो आपको गोल्ड 3 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं डायमंड टीयर वाले बंदों की। अगर आपका टीयर डायमंड 3, डायमंड 4, डायमंड 5 है, तो आपको जो नेक्स्ट सीजन टीयर मिलने वाला है वो गोल्ड 2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका टीयर डायमंड 1 है या डायमंड 2 है, तो जो आपको अगली सीजन टीयर मिलने वाला है वो गोल्ड 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं क्राउन टीयर वाले बंदों की। तो अगर आपका C2S4 में टीयर क्राउन 5 या क्राउन 4 है, तो आपको जो अगली सीजन C2S5 के अंदर जो आपको टीयर मिलने वाला है वो मिलेगा आपको प्लैटिनम 5, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपका टीयर क्राउन 2 पे है या क्राउन 3 पे है, तो आपको जो अगली सीजन टीयर मिलने वाला है वो आपका रहने वाला है प्लैटिनम 4। एंड उसके बाद अगर आप क्राउन 1 पे हो, तो आपको प्लैटिनम 3 मिलने वाला है। तो इसके बाद बात करते हैं अपने कॉन्करर और एस वाले बंदों की। तो अगर आप कॉन्करर या एस पे हो, तो आपको अगली सीजन अपना जो आने वाला C2S5 है उसमें आपको कौन सा टीयर मिलने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एस के बारे में। बात करते हैं एस वाले बंदों की। तो अगर आप एस पे हो या एस मास्टर पे हो, मतलब कि अगर आपके पॉइंट 4200 से लेकर अगर 4800 तक है, तो आपको जो नेक्स्ट अपना जो आने वाला C2S5 सीजन है, तो उसमें आपको जो आपका टीयर मिलने वाला है वो आपका प्लैटिनम 2 मिलने वाला है। सो इसके बाद बात करते हैं 4800 पॉइंट से ऊपर वाले बंदों की। यानी कि अगर आपका टीयर एस मास्टर से लेकर कॉन्करर तक है, तो आपका जो टीयर रहने वाला है नेक्स्ट सीजन वो आपको प्लैटिनम 1 मिलने वाला है। सो वेल गाइज, आपका यही पूरा का पूरा टीयर रीसेट है जो आपको आने वाली C2S5 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका टीयर इन सब के बीच में आता है, तो आपको यही टीयर आपकी अगली सीजन में मिलने वाला है। तो अभी आप कौन से टीयर पे हो ये नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना। और अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, तो अभी आप कर सकते हो, बहुत टाइम है। आपको एटलीस्ट एस मार्शल तक तो रैंक पुश करना ही चाहिए, क्योंकि आपको अगली सीजन इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आप कॉन्करर के लिए पुश करते हो, ठीक है। तो बाकी हम लोग बात करते हैं RP लॉक या आपकी RP एंड के बारे में। तो वो आपके रॉयल पास के नीचे लिखा हुआ होता है, बार बार उसे बताना क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा RP लॉग और आपकी सीजन कब एंड होगी और आप रैंक कब तक पुश कर पाओगे। तो उसके लिए मैं एक वीडियो न्यू बनाऊंगा जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।